अब देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 एंड 1/5 बाई ₹20। ओके, 20 रुपए का 3/4 का 1/5 का मान ज्ञात करो। वैल्यू ऑफ 3/4 एंड, ये शायद ऑफ लिखना था, इसको गलती से हो गया, ठीक है, ऑफ 1/5 ऑफ ₹20। ठीक है, अब समझना इस क्वेश्चन का, ये कह क्या रहा है। ये सर क्वेश्चन देखो ऐसे कह रहे हैं कि आपको जैसे ₹20 है, ठीक है, ₹20 थे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो ऑफ लिखा होता है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं का, ऑफ जिसे हिंदी में कहते हैं का, और इस ऑफ या हिंदी में जो का लिखा होता है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि सर जो ऑफ, ऑफ का हिंदी में लिखा होता है का, और इस ऑफ या का पता मतलब क्या होता है सर, मल्टीप्लाई। ध्यान रखना आज के बाद में, ऑफ या का अगर लिखा हुआ है तो उसका एक ही मीन्स होता है सर, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ऑफ जिसे हिंदी में कहते हैं का, उसका मीन्स क्या होता है सर, मल्टीप्लाई या गुणा। अब हिंदी में लिखा हुआ है 20 रुपए का 3/4 का 1/5, इंग्लिश में लिखा हुआ है 3/4 ऑफ 1/5 ऑफ 20। यानी कि आपने इसमें क्या है कि सिर्फ जो ₹20 है ना, उसका 1/5 उसका भी फिर कितना सर, 3/4 कितने रुपीज होंगे, यानी कि 20 रुपए का 3/4 भाग, 3/4 भाग का 1/5 भाग कितना होगा। तो आपको पता है कि सर का की जगह या ऑफ की जगह तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 20 20 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1/5, और इंग्लिश में लिखोगे तो भी सेम कहानी रहेगी, 3/4 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 20। अब क्या करना है सर, अब हमें साफ साफ पता है कि 20, रुकोगे थोड़ा इंतजार करोगे, आपका नंबर आएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे, थोड़ा सा मुझे समझाने दो, ठीक है। अब देखो यहां डिनोमिनेटर नहीं है तो इसके नीचे लिख देते हैं सर 1। ओके, अब देखना इसके बाद में क्या होगा सर, जब ये हमने लिख दिया 1, ओके, बहुत ध्यान से देखना है ना बातों को। इसके बाद में क्या करना है कि सर आपको दिखाई दिया कि सर सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में है, सभी नंबर्स किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इनको जो न्यूमिनेटर्स हैं उनको तो एक साथ लिख लो, और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको भी एक साथ लिख लो। न्यूमिनेटर्स को सभी को क्या लिख लो, एक साथ, और जो डिनोमिनेटर्स हैं उन सभी को लिख लो एक साथ, लिख लिए। अब देखो, अब कोई किसी से डिवाइड हो रहा है, आप कहोगे सर जो 20 है वो 4 या 5 किसी से भी डिवाइड कर दो, 5 से भी हो रहा है 4 से भी हो रहा है, चलो हम 5 से कर देते हैं इसमें, और इधर सर जो 20 डिवाइड हो रहा है उसको इधर कर देते हैं सर 4 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन डिवाइड होना चाहिए। दो ऐसे नंबर जिन दोनों में डिवाइड दे, आप कहोगे सर 20 में भी 5 का डिवाइड हो रहा है, सर 20 में भी 5 का डिवाइड हो रहा है, और ट्वेंटी में भी 5 का डिवाइड हो रहा है और 5 में भी 5 का डिवाइड हो रहा है। देखो एक ही रूल है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर का डिवाइड होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। तो आपने कहा सर 20 में 5 का डिवाइड 4 टाइम, 5 में 5 का डिवाइड 1 टाइम, इधर सर 4 में 1 का डिवाइड 1 टाइम, और 4 में 20 में 4 का डिवाइड 5 टाइम। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है सर, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, नीचे लिखा है 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है सर 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5, नीचे क्या लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। ओके, अब आप क्या कहोगे सर, ये लो इन दोनों में फिर से 4 का डिवाइड हो गया, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4,
सर इसमें फिर से 5 में डिवाइड हो गया, 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, ठीक है। अब देखो 1 अगर किसी से मल्टीप्लाई होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप 1 को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर मान लो आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना रहेगा 4, अगर आपने 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर रहेगा 50। तो क्या 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई वैल्यू होती है? नहीं सर, सेम ही वैल्यू रहती है। तो आपने क्या कहा सर, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 रहेगा, यहाँ तो 1 1 1 तो ये तो सर 1 ही रहेगा, और 3 में 1 का डिवाइड करोगे तो 3 रहेगा। इधर भी सेम है सर, 1 और 1 मल्टीप्लाई हुआ 3 से 3 और नीचे 1, तो ये भी कितना रहा 3, तो आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई करने पर। अब देखो यहां तक कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट, अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं, मैं बताऊं आपको ये पता है ना कि ये मल्टीप्लाई में है, ये साफ साफ पता है कि सर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, हमें इतना पूरा पता है। रुक जाओ पहले मैं समझा दूं, आपको ये पता है कि सर ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो आप इनको सीधा भी यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, जैसे सर 4 5 जा 20 हो गया, इधर सर 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 हो गया। अब 1 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया कितना होगा 3, ये तो 1 हो गया ना, 1 1 और 1 ये हो गया 1, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप अगर आप सीधा ऐसे ऐसे कर सकते हो ना तो ऐसे भी कर सकते हो, जरूर नहीं कि आप लिखो स्टेप। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि समझाने के लिए, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि आपके माइंड में डेटा बनते नहीं है, डायग्राम नहीं बनता, कि जैसे यहाँ बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर क्या कर दिए। अब ये इतना बार आपने कर लोगे फिर आपको धीरे धीरे अपने आप हैबिट हो जाएगी, सर ये इतने स्टेप क्यों लिख रहे हैं, आपका ब्रेन खुद कहने लगेगा कि सर ये इतने स्टेप क्यों लिख रहे हो, इनको तो यही यही हटा दो, है ना। इसलिए जैसे जैसे अगर मान लो आपको ये नहीं समझ में आ रही ना, एक बार आप इस पे ट्राई करते रहो, ऐसे करते रहो, फिर धीरे धीरे आपका ब्रेन ऑटोमेटिक आपको कहेगा कि नहीं ये दोनों स्टेप नहीं लिखनी, इनको यही डिवाइड कर दो। तो इसका आंसर कितना आ गया सर हमारा ₹3, इसका आंसर कितना आया ₹3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब एक बार हैंड रेज करो जिनको भी ये बात नहीं समझ में आई, या कोई इसमें और कुछ बात पूछनी है कि सर मेरे को अभी इसमें ये बात और पूछनी है, वो स्टूडेंट अपना हैंड रेज कर दीजिए एक बार के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड को बहुत ध्यान से, कुछ एक और इसमें नई बात बताऊंगा, ध्यान से समझना और फिर मैं आपके फिर डाउट्स कंटिन्यू कर दूंगा, लेकिन इस तरह से क्लास में देखना है कि एक एक स्टेप बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, आप उसको सीधा सीधा माइंड में लेके चले जाना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, इफ 1 बेम्बू 3/10 पार्ट इन मड ओके एंड 3/5 पार्ट इन वॉटर एंड रिमेनिंग 5 मीटर, ये गलती से टाइप हो गया, रिमेनिंग 5 मीटर अबोव द वॉटर सरफेस, ठीक है, देन वुड बिल्ड विद द वैल्यू ऑफ बेम्बू, एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर हो तो बांस की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे लिख दीजिए कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेम्बू। ओके अब देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है आपके माइंड में, देखो आपने पढ़ा है तो भी जब क्लास लो ना तो इतना ध्यान से बैठो, उसको देखते रहो, अपने माइंड में उतारते रहो। देखो इसको इतना ध्यान से समझना है, अपने माइंड में डायग्राम बनाना है और सोचना है इसके लिए कि सर इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्ट क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपने मैथ को एक डायग्राम की तरह पढ़ लिया ना तो फिर मैथ आपको ऑटोमेटिकल अंदर से आने लगेगी, आपको लगेगा कि मैं तो मैथ में सब एक कुछ आते हैं, लेकिन आपको उसको डायग्राम से समझना पड़ेगा। देखो यहाँ कहाँ सर एक बेम्बू है, ओके चलिए एक बेम्बू बना लेते हैं छोटा सा, अरे सीधा होना था, यहाँ ये बना लेते हैं, चलिए ठीक है ओके, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ना, समझने में सही रहेगा, आपने जगह भी खूब आ जाएगी, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, यहाँ ले आता हूँ, ठीक है फिर यहाँ यहीं ले आता हूँ, यहाँ क्वेश्चन समझा दूंगा। अब देखो इसमें हुआ क्या, डायग्राम समझो, एक एक क्वेश्चन को डायग्राम से समझेंगे तो आपके माइंड में डायग्राम बनेगा, ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ऐसे डायग्राम बने। ये रहा सर हमारा बेम्बू,
बेम्बू जिसे बांस कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो ये जब हमारा बेम्बू हुआ, अब इसके साथ में हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में पढ़ो। सर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इधर से मैं ये ले लेता हूँ, क्वेश्चन में से ये यहां से ले लेते हैं बॉक्स, ठीक है। सर क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि सर जिसका इसका जो 3/10 पार्ट है ना, वो किसमें है, मड में या कीचड़ में। तो मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे मड ले आते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे किसको ले आते हैं सर, मड को ले आते हैं। ओके, इसमें इसमें क्या है हमारे पास में, हाँ मड का मतलब कीचड़, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, यहाँ पे मान लेते हैं कि मड, ओके मड को हम बना देते हैं थोड़ा इस तरह, इस कलर का बना लेते हैं। ये किसमें है सर, मड में या कीचड़ में, ये बांस थोड़ा सा ना, इसका कितना पार्ट है, ये 3/10 पार्ट है, ठीक है। इसके बाद में हुआ क्या कि सर इसके बाद में इसका जो 3/5 पार्ट है वो है वोटर में, यानी कि इस मड के ऊपर मान लेते हैं ये हो गया सर हमारा वोटर, ये हमारा क्या है वोटर, इसको ब्लू से कर देते हैं, यहाँ पे मान लो कि ये अपना वोटर हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान से डायग्राम ऐसा कैसा बनाना है, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। फिर सर इसके पास में क्या हुआ, दोनों पार्ट बना दिया ना हमने, इसका जो सर जो 3/10 पार्ट है वो हो गया मड में कीचड़ में, और 3/5 पार्ट वोटर में, 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में, ये लिख देते हैं। ये वाला कितना सर, 3/10 पार्ट, और ये क्या है हमारे पास में सर, मड या फिर कीचड़, और ये क्या हो गया सर वाटर, W लिख दो इसको, कितना भाग है ये 3/5। अब क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग 5 मीटर अबोव द वॉटर सरफेस, यानी कि जो बचा हुआ जो 5 मीटर है ना वो पानी की सतह से ऊपर है। तो इसका मतलब कि सर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक की लंबाई अगर हम देखें तो वो कितनी आएगी सर, आप क्या कहोगे सर, वो तो 5 मीटर है। क्वेश्चन ने साफ साफ कही है कि पानी की सतह से ऊपर कितनी मीटर है उसकी, सर पानी की सतह से ऊपर 5 मीटर है, साफ साफ लिखा हुआ है ना, 5 मीटर, रिमेनिंग 5 मीटर अबोव द वॉटर सरफेस, रिमेनिंग 5 मीटर अबोव द वॉटर सरफेस, तो ये इसके ऊपर कितना है 5 मीटर। अब आपको क्या बताना है, टोटल लेंथ ऑफ द बंबू, बांस की लंबाई, यानी कि आपको क्या बताना है सर, यहां से लेकर यहां तक की टोटल लंबाई बतानी है आपको, आपको यहां से लेकर यहां तक की टोटल लंबाई कितनी है। आपको ये तो पता है कि सर यहां से लेकर यहां तक की तो 5 मीटर है, बाकी नीचे कितने मीटर है ये नहीं पता सर, ये तो केवल ये लिखा हुआ है सर 3/5 पार्ट, 3/10 पार्ट, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये इतना मीटर का है नीचे, ये नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि ये पार्ट कितना कितना मीटर का है, ये कितना मीटर का है। उसके बाद में अब एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं, सभी बच्चे उसको ऐसा का ऐसा याद रखेंगे, अगर कभी फ्रैक्शन में, अगर कभी फ्रैक्शन का ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें उसके अलग अलग पार्ट्स किए हो, चाहे वो बेम्बू हो, चाहे बांस हो, या फिर कुछ और भी हो, जैसे मान लो कि कभी आपको दिया जाए कि अमाउंट या फिर रुपीज, कुछ भी एनीथिंग, हाँ सर इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ना मर्ड का अब देखिए, जब भी अगर आपके सामने अगर फ्रिक्शन में कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, अगर उसके छोटे छोटे पार्ट्स किए हुए हैं, है ना, तो आपको हमेशा सबसे पहले आपको टोटल लेंथ, क्या टोटल लेंथ या टोटल मनी, जो भी एनीथिंग, अभी यहाँ पर टोटल लेंथ की बात हो रही है तो हम टोटल लेंथ लेंगे, जिसे हिंदी में कहेंगे कुल लंबाई, हिंदी में क्या कहेंगे कुल लंबाई, क्योंकि यहाँ पर अभी लेंथ की बात हो रही है, क्योंकि जो बेम्बू होगा उसमें तो क्या होगा, लेंथ ही तो होगी। अगर मनी होती तो टोटल मनी ले लेते, कुल धन ले लेते, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, बेम्बू, बेम्बू में है टोटल लेंथ कुल लंबाई, हमेशा फ्रैक्शन में कितनी माननी है आज के बाद में ध्यान रखना, ऊपर तो टोटल कितनी माननी है, टोटल कितनी आपको अज्यूम करनी है, वन, ध्यान रखना इस बात का। अगर फ्रिक्शन में उसके पार्ट्स दिए हुए हैं तो आपको टोटल कितना लेना है, वन लेना है, टोटल कितना अज्यूम करना है, वन, इस बात का खास ध्यान रख लेना। अगर फ्रिक्शन में कोई भी पार्ट्स दिया हुआ, जैसे मान लो कि कहे कि रिधिमा जो है वो किसी बुक के 1/5 भाग एक दिन में पढ़ती है, 1/5 पार्ट, 2/5 पार्ट सेकेंड डे, बाकी बचे भी कितने पेज हैं, तो आपको वहां पर क्या मानना है,
कि टोटल बुक में पेजेस कितने हैं, वन। ठीक है, तो इस तरह अगर मान लो कि कहीं भी कोई भी फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ है उसके छोटे छोटे पार्ट्स, तो आपको टोटल कितना लेना है, वन। अगर आपने पहली बात ये समझ लेना तो इसके आगे तो बहुत इजी है, इतना इजी है। अभी देखना, तो आपने टोटल लेंथ कितनी ले ली इसकी, वन। तो आपने कहा सर वन कैसे हो सकता 5 मीटर, अरे हमने अज्यूम किए, 1 मीटर नहीं कहा इसको, हमने केवल और केवल वन कहा है, ये अज्यूम किए, हमने मानी है कि हो सकता है कि इसकी वन हो। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हुआ ऐसा कि सर हमें ये तो लिखा हुआ है कि इसका 3/5 पार्ट एक जगह है। अब आपने क्या कहा कि सर ये टोटल कितना हो गया, वन, इसमें से ये इतना पार्ट कितना है, 3/10। ध्यान से, इतना पार्ट कितना है, 3/5, ये फिर कितना रह गया। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये टोटल कितना हो गया, ठीक है, और टोटल कितना है सर हमारे पास में, वन। टोटल कितना हो गया सर हमारे पास में, वन। ठीक है, अब देखो इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को क्या कर लो, प्लस। एक एक बात जैसे समझा रहा हूं वैसे ही समझना आपको, इन दोनों को कर लो सर प्लस। तो 3/5 + 3/10 टोटल कितना हो जाएगा, आपको कहे सर इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम ले लो, क्योंकि प्लस का तो यही था रूल, 5 और 10 का एलसीएम किया, कितना आया सर, 5 का डिवाइड कर दिया 1 और 2, 2 का डिवाइड कर लो, पहले 2 का भी कर सकते हो ना, 1 और 1, तो 5 × 2 = कितना हो गया, 10। तो ये हमारे पास में एलसीएम कितना आ गया सर, 10। अब क्या करना है, हमने सर अभी अभी सीखा है कि पहले जो 3/5 है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और 3/10 है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। जब 5 में 10 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, सर इधर 1 टाइम और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसकी वैल्यू कितनी आई, 6, बीच में साइन प्लस का, इसकी वैल्यू कितनी आई सर, 3, तो 6 और 3 9, 9/10, तो ये तो आ गया इसका आंसर। तो इसका मतलब आपने क्या समझा सर, इसका मतलब हमने ये समझा, इधर लिख देता हूं ना थोड़ा सा, कि सर जो ये बेंबू था ना, ये हमने लिखा था 1, ये वाला पार्ट कितना था 3/10, ये वाला पार्ट कितना था 3/5, और सर जब हमने इसको टोटल किया तो ये कितना आ गया सर, ये टोटल कितना आया था अभी अभी हमारे पास में, इधर देखो कितना आया सर, 9/10, कितना आया, 9/10, तो ये वाला टोटल पार्ट कितना है सर, 9/10। तो ये तो पता चल गया ना आपकी, इसी ये वाला टोटल कितना है, 9/10। अब आपको ये पता है कि सर यहां से लेकर यहां तक जो टोटल पार्ट है वो 9/10 है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 9/10, और ये टोटल कितना है, ध्यान से टोटल 1, तो ये वाला कितना है। आप कहोगे सर क्या टेंशन ले रहे हो, 1 में से माइनस कर दो भाई, जब हमको पता है कि ये यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर की है, 10 मीटर से, और यहां से लेकर यहां तक 7 मीटर है, मैं पूछूं ये कितने मीटर है, आप कहोगे सर 10 - 7 कर दो तो 3 मीटर हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। चलो एक और तरीके से सिखाता हूं ना, मान लो कि आपके पास एक चॉकलेट है और इतनी बड़ी चॉकलेट है, कितनी मीटर की है, मान लो कि इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स किए हुए है ना, छोटे छोटे पार्ट्स किए हुए, डेरी मिल्क में आते हैं ना छोटे छोटे पार्ट्स, उस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 9 पार्ट्स है। ठीक है, मैं कहूँ मान लो कि 9 मीटर या 9 पार्ट्स है, आपको मैंने कहा कि आपने इतने पार्ट्स खा लिए, ठीक है, कितने पार्ट्स बचे आपके पास में, सर एक काम करो आपने खा लिए कितने, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 कर लिए ना सर, इस 9 में से इस 5 को माइनस कर दो, क्योंकि 5 तो आपने खा लिए, तो कितना हो गया, 4, तो ये टोटल पार्ट्स कितने बचे हमारे पास में, 4 पार्ट्स। बस सेम यहाँ है, टोटल हमने कितना लिया, 1, ये वाला टोटल कितना हुआ, 9/10, ये कितना होगा, इसके लिए 1 में से माइनस कर दो 9/10 को, तो 1 - 9/10, 1 के नीचे क्या कोई डिनोमिनेटर या हर है, नहीं, तो 1 लिख दो, 1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो कितना लिख दो, 1। अब देखो इस 1 और 10 का एलसीएम करोगे तो कितना आएगा सर, 1 और 10 का एलसीएम करोगे तो 2 का डिवाइड कर दो 1 और 5, 5 का डिवाइड कर दो 1 और 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 2, 5, 10, इसका कितना आएगा सर, 10 आएगा, एलसीएम आ गया 10। सर 1/1 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, 9/10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 का 10 में डिवाइड 10 टाइम, 10 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब क्या हुआ सर, समझना,
इसकी वैल्यू कितनी हुई 10, इसकी वैल्यू कितनी आई 9, बीच में साइन किसका माइनस का, माइनस करो 1/10, 10 - 9 1/10, ठीक है। दोबारा समझना, यही चीज मैं दोबारा समझा रहा हूँ ना, यही बात मैं वापस समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बात समझना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। अगर ये बात नहीं समझ में आएगी ना तो ये क्वेश्चन फिर बहुत हार्ड बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ये बात आपको ये वाला क्वेश्चन हार्ड लगे। अगर ये क्वेश्चन सर इजी हो गया ना आपको, तो आपका माइंड सेट इस तरह हो जाएगा कि सर ऐसे क्वेश्चन तो हम चलते चलते ही कर देंगे। फिर दोबारा समझो, हमने जो बेम्बू था टोटल, दोबारा समझ लेना। चलो इस बार अंशिका माइक ऑन करो। चलो ये बताओ कि इस ये जो बेम्बू है, हमने इसकी वैल्यू कितनी ली टोटल 1, तो ये टोटल यहां से लेकर यहां तक टोटल 1 ले लेते हैं। ये वाला पार्ट हमारे पास में 3/10 था जो मड में था, वाटर में कितना था 3/5। आपसे अगर ये पूछे तो आप क्या करोगे, पहले इतना इतना प्लस कर लेंगे, पहले इतना इतना क्या कर लेंगे प्लस। ध्यान से देखोगे सभी स्टूडेंट, चलो 3/5 प्लस 3/10 कर लेते हैं। अब क्या करें, तो 5 और 10 का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, 5 में नहीं होगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 का डिवाइड करेंगे 1 और 1, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जे कितना हो गया 10। चलिए इसके बाद में क्या करेंगे, सभी सुनिए ध्यान से, टेन से कर देंगे और 3/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। इसके बाद में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा। यहां भी इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये तो आ गया आंसर, इसके बाद में क्या करें, अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास में 6 है, फिर प्लस लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी है सर 3, फिर कितना लिख दें 6 और 3 9 9/10। अब हमें ये पता चल गया कि सर यहां से ये जो टोटल है वो कितना है 9/10। अब क्या करें सर इसके लिए क्या करें, टोटल है हमारे पास में वन। अब जब ये पता है कि सर यहां तक का 9/10 है, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो आप एक काम करो ना, 1 में से जो नीचे वाला है 9/10 उसको हटा दो, उसको माइनस कर दो, अपने आप पता चल जाएगा ये कितना है। भाई ये टोटल जो है ये इतना था हटा दो किसी चीज में से, तो आपको यही तो रहेगा पीछे। अगर आपने ये हटा दिया इतना, तो आपके पास में ये पीछे रहेगा, तो फिर कौन सा रहेगा सर, ये रहेगा हमारे पास में। तो अब बताओ ये वाला टोटल कितना है 9/10, ये टोटल कितना है 9/10, इसमें से माइनस कर दे, टोटल में से टोटल 1 था, इसमें से 9/10 माइनस कर देते हैं, इसके नीचे 1, इन दोनों का जब एलसीएम करोगे 1 और 10 का, तो आप कहोगे सर 2 का डिवाइड करो 1, 5, 5 का डिवाइड करो 1 और 1, 2 × 5 कितना हो गया 10। अब यहां क्या लिख दें सर 10 लिख दें, ठीक है। इसकी अब देखो अब क्या करें, 1/1 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 9/10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, बताओ अंशिका अब क्या करें। इसको 10 टाइम हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितने बन गए 10, इसमें इसका डिवाइड किया 1 टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब इसके बाद में इनकी वैल्यू कितनी है,
माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 9। 10 माइनस 9 तो 1 अपॉन 10। अब ये हमें ये पता चला कि सर ये जो वैल्यू रही ना, अब हमें ये पता चल गया कि जैसे ये हमारा जो बेम्बू है ये नीचे वाला तो सर रहा 9/10 और ऊपर वाला रहा सर 1/10। ये हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके अंशिका माइक माइक म्यूट करो, अंशिका अंशिका माइक अंशिका माइक म्यूट करो, अंशिका तो माइक म्यूट है, ठीक है और देखते हैं। अरे अंश प्रताप सिंह माइक म्यूट करो। ओके तो सभी स्टूडेंट को ये पता चल गया होगा कि सर ये तो रहा, सर ये पता चल गया कि सर ये 3/10 जो था और ये 3/5 था, दोनों मिलकर बन गए 9/10 और ये ऊपर कितना रह गया फिर 1/10, क्योंकि हमें टोटल कितना लिया 1, उसमें से 9/10 माइनस कर दिया तो यहां से लेकर यहां तक का कितना हो गया 9/10। चलो अब मुझे सबसे पहले वो स्टूडेंट अपना हैंड रेज कर दीजिए जिनको ये वाली बात नहीं समझ, ठीक है। तो टोटल में से हमने इस 9/10 को माइनस किया तो 1/10। अब चलिए इधर आ जाओ वापिस, ठीक है। अब अपने यहां पर वापिस देखते हैं, देखना बहुत ध्यान से। यहां पर क्या हुआ देखो हमारे साथ में, यहां हुआ ये कि सर ये जो आपने जो टोटल पार्ट बताए थे 3/5, ये सर हमारे पास में हो रहे हैं 9/10। ये कितना हो रहा है, 9/10 हो रहा है। इसका मतलब कि सर जो वाटर और मड, जो कीचड़ और पानी के अंदर कितना हिस्सा है इसका, 9/10 हिस्सा, 9/10 जो पार्ट है वो तो किसके अंदर है, इनसाइड मड एंड वाटर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि सर जो मड प्लस वाटर कीचड़ और पानी में तो कितना पार्ट रह गया उसका 9/10, और आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ कितना रहा उसका 1/10, जो हमने अभी भी बहुत अच्छी तरह देखा है कि इनसाइड तो कितना है 9/10 और आउटसाइड कितना है 1/10। अब देखो यहां पर आपके पास में आउटसाइड कितना आया सर 1/10, और क्वेश्चन कितना बता रहा आपको सर, क्वेश्चन साफ साफ हमें कह रहा है कि जो 5 मीटर है वो अबोव द वॉटर सरफेस है, 5 मीटर जो है वो पानी की सतह से ऊपर है। ऊपर होने का मतलब पानी की सतह से ऊपर मतलब बाहर की तरफ कितना है 5 मीटर, और अपने कितना आया सर ये 1/10, अपने कितना आया 1/10। अब करना है क्या देखना, आपके पास में कितना आया 1/10, जबकि क्वेश्चन कितना बता रहा है इसको 5 मीटर बता रहा है, ठीक है। आपको हमेशा 1 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, किसकी करनी है, इस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 तो रखो यहां, अब ये 10 इसके 1 के डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, भाग में है कि गुणा में, आपको कहे सर ये तो 10 तो इसके डिवाइड में है। जब ध्यान रखना अगर कोई नंबर इधर डिवाइड में होगी ना तो वो एक बराबर के उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो जब 10 इसके इधर आ जाएगा तो ये 5 × 10 हो जाएगा। आप कहोगे सर 10 क्यों लेके गई, क्योंकि मुझे केवल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इधर मुझे केवल और केवल 1 ही रखना है, उसके अलावा जो भी इसके साथ में जितने भी उन सबको उधर भेज दो। तो आप कहोगे सर इसके साथ में तो केवल 10 है, जो भी डिवाइड में है भाग में है उधर जाके हो जाएगा गुणा में। तो 5 और 10 मल्टीप्लाई के होके कितना आ जाएगा 50, और ये किसमें मीटर में, तो यहाँ भी ये किसमें हो जाएगा मीटर में। तो 1 की वैल्यू कितनी है सर 50 मीटर। और आपने 1 किसको माना था, कुछ याद आ रहा है आपने 1 किसको लिया था, आप कहोगे सर 1 जो हमने लिया था वो इस बेम्बू की पूरी लंबाई हमने 1 मानी थी, पूरी लंबाई को हमने कितना अज्यूम किया था 1, पूरी लंबाई हमने कितनी अज्यूम की थी 1 किया था ना, तभी तो हमारे पास में कितना बना था 9/10 तभी तो बना था। अब 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास में 50 मीटर आ गई ना 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी है 50 मीटर, और 1 किसकी वैल्यू है 1 सर इस पूरे बेम्बू की लंबाई है 1, और 1 पूरे बेम्बू की लंबाई है, इसका मतलब पूरे बेम्बू की लंबाई कितनी हो गई 50 मीटर, पूरे बेम्बू की लंबाई कितनी हो गई 50 मीटर, पूरे बेम्बू की लंबाई हो गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है सर, हमें क्वेश्चन में साफ पूछा हुआ है कि इस बांस की लंबाई क्या होगी, What is the length of bamboo? तो बंबू की लंबाई कितनी होगी सर 50 मीटर, 50 मीटर इसकी लंबाई होगी, ठीक है। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या होगा कि हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस लेंगे। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस पर ट्राई करेंगे कल, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं करना सर, जितना आपको गिवन है उतना तो प्लस कर दो, ठीक है, फिर टोटल 1 ले लो, जितना रहा जैसे अब हमें ऊपर का नहीं था उसको हमने 1 में से माइनस कर दिया, माइनस किया तो हमें पता चला कि सर ये 1/10 तो आउटसाइड है और 9/10 इनसाइड है, 1/10 आउटसाइड है और क्वेश्चन में भी आउटसाइड का ही वैल्यू दे रखी है, तो हमने 1/10 के इक्वल क्या रख दिया सर, 5 मीटर, क्यों, क्योंकि 5 मीटर आउटसाइड है और हमारे आउटसाइड कितना आ रहा है 1/10, दोनों बात एक ही है ना। अगर मैं कहूं कि आपका घर स्कूल से इतनी दूरी पर है और ये 5 मीटर है, और मैं कहूं कि आपका घर स्कूल से इतनी दूरी पर है, तो आप क्या कहोगे सर, इतनी दूरी का मतलब 5 मीटर, आपका घर स्कूल से इतनी दूरी पर है, और मैं दूसरी बात ये कहूँ कि आपका घर 5 मीटर पर है, तो इतनी दूरी का मान कितना हो गया, आपको भी सर 5 मीटर। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि सर 1/10 आउटसाइड है और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर है, तो दोनों बातें तो एक ही हो गई, चाहे 1/10 आउटसाइड कर दो चाहे 5 मीटर आउटसाइड कर दो, जब दोनों बातें बराबर है तो दोनों को इक्वल रख लो और 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 1 के साथ में जो भी है, 1 के साथ में जो भी है कहाँ ले जाओ सर, उन सबको ले जाओ साइड में, अब 1 जो डिवाइड में था उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई में, 5 × 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 50 मीटर, तो 1 किसकी वैल्यू थी, बेम्बू की टोटल लंबाई, कुल लेंथ कितनी थी 50 मीटर, और इस तरह इसके कितना आंसर आ गया 50 मीटर। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस पर कल और डिस्कस करेंगे, हो सकता है कल आपको और जल्दी समझ में आएगा, और इन दोनों क्वेश्चंस का मैं अभी है ना आपको पीडीएफ फाइल भेजता हूँ, आप थोड़ा सा इनको ना वापस बनाने की ट्राई करना आज, और साथ में रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ, तो आपको पूरी रिकॉर्डिंग वापस देखनी है।